बस लगाओगे टाइम सत्य पे सत्ता मूवी काफ़ी अच्छी है, इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। मैंने मूवी देखी, पूरी देखी, और इसके सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इस मूवी में कॉमेडी भी बहुत अच्छी है, तो ओवरऑल मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। और बताइए कि क्या अच्छा लगा, मतलब आपको कहानी के अलावा गीत संगीत कैसा है, एक्शन कैसा है फिल्म? सब कुछ बहुत अच्छा है। इसमें जो एक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, जाने माने एक्टर्स हैं और कुछ नॉन एक्टर्स भी हैं, तो मूवी काफ़ी अच्छी जा रही है। और मैं लोगों से यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखने जाएं, क्योंकि इसमें कॉमेडी भी है और एक्शन भी है और इमोशनल भी है, तो सब कुछ का मतलब एक मिर्ची मसाला है इसमें, क्योंकि बहुत अच्छा है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने जाएँ। मुझे तो बहुत पसंद आई। दोबारा फिल्म देखने आएगा? हाँ, दोबारा भी देखने आ सकते, क्योंकि बहुत मज़ेदार मूवी है। दोबारा क्या, हम सीडी लेके अपने घर से ले जाएंगे, वही देखते रहेंगे बार बार। रेटिंग क्या दीजिएगा 5 में से? अभी मैं इस मूवी को 5 में से 4 दूंगी रेटिंग। मूवी क्या बताइए, फिल्म कैसी लगी, फिल्म की कहानी कैसी है, गीत संगीत कैसे? फिल्म ओवरऑल मैंने देखी तो अच्छी फिल्म है, तो मज़ा आया देख के। और लोगों से यही है कि एक बार आएँ थिएटर में, आएँ और देखें पिक्चर, और मज़ा आएगा लोगों को। कलाकारों ने अभिनय कैसा किया, एक्टिंग कैसी है सबकी? एक्टिंग अच्छी की है, नए कलाकार भी हैं और कुछ पुराने कलाकार भी हैं जिन्होंने पहले काम किया हुआ अच्छी फिल्मों में, तो कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है, अच्छा डायरेक्शन किया गया है, तो स्टोरी भी अच्छी है, कुल मिला के एक अच्छी फिल्म बनाई गई है। दोबारा देखेंगे, अगर वक्त मिलेगा तो ज़रूर देखने आएंगे। बाकी कुल मिलाकर देखा जाए तो पिक्चर अच्छी बनाई है। और रेटिंग कितनी देंगे 5 में से? 5 में से मैं इन्हें 3 स्टार देना चाहूँगा। ये क्या? नहीं दे रहा है। विषय सत्य पे सत्ता, फिर आया सत्य पे सत्ता नाम है इसका। और इसमें मैं एक कालिया का रोल निभा रहा हूँ, जो 7 भाई में से एक भाई मैं हूँ। और कॉमेडी है, सीरियस है, और एंजॉय भी है, एंटरटेनमेंट है, अच्छा फिल्म है। मैंने अभी आधा देख के निकला है, पूरा देखने के बाद मुझे भी पता चलेगा कि मैं मतलब आखिरी में होता क्या है। लाइव के बाद आप भी एक स्टार बन गए हैं और आप नए नहीं कह सकते आपको, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ काम करके? जी, इन नए लड़के लड़की के साथ काम करके कैसा लगा आपको? देखो, नए पुराने की बात नहीं होता है इसमें। अब नए हैं, इनको अगर पुराने हम जैसे लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कते कहाँ जाएंगे। तो हमने एक सपोर्टिंग के रूप में काम किया है यहाँ पे, और नए लड़के भी अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। अभी मुझे तो कत अच्छा लगा, अभी आकत ऑडियंस के ऊपर में है कि ऑडियंस क्या रिस्पॉन्स देता है आजकल में। तो
थैंक्स। मेरा नाम कुमार राजेश है। कुमार, आज फिल्म के बन के तैयार हो, पहला शो है, आप देखकर निकले क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ऑडियंस के पिक्चर पसंद आ रही है, और एक कलाकार को इस बात की बहुत खुशी होती है कि लोगों को पिक्चर उसकी पसंद आए। खुद का काम तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जब दूसरे तारीफ करते हैं तो सच्ची तारीफ होती है। तो फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। मुंबई का गढ़ माना जाता है, जो ग्रैंड रोड है, यहाँ पे आपकी मूवी लगी है, भले ही सिनेमा में नहीं लगी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि यहाँ पे फिल्म लगना। जी हाँ, ये थिएटर जो है ये अंग्रेजों के जमाने, ओल्डेस्ट थिएटर है ये मुंबई का, और यहाँ पिक्चर लगना भी गर्व की बात है, ऐसी बात नहीं है। छोटा थिएटर नहीं है, लेकिन प्राचीन और माना हुआ थिएटर है, और यहाँ फिल्म लगी, और इसीलिए हम यहाँ देखने के लिए आए हैं कि हम खुद ये जगह देखना चाहते थे बहुत दिनों से, कि इम्पीरियल थिएटर कैसा है, क्या है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। आपको मालूम है जंजीर भी जो है यहीं से सुपरहिट हुआ था? जी हाँ, मैंने सुना है कि जंजीर पिक्चर भी यहीं से सुपरहिट हुई थी, और आज सत्ते पे सत्ता लगी हुई है हमारी फिल्म, वही बहुत ही खुशी की बात है। अमित जी की भी सत्ते पे सत्ता आई थी, और आज हमारी आई है, और उनकी जंजीर वाले थिएटर में आई है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है। हमारी फिल्म की ऑलमोस्ट पूरी टीम यहाँ पर है, अपनी हीरोइन सनाया सिंह जी, वीरेन ऋषभ राज जी, ऋषभ मिश्रा जी हैं इसमें, और कमाल खान भी साथ में ही हैं, जो हमारी माँ बनी है फरीदा शेख जी, वो भी साथ में ही हैं, तो लगभग सारे ही लोग हैं, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो अब सबका नाम तो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन सारे का। हाँ, एक बात का दुख है कि विश्वजीत जी आज नहीं है, जिन्होंने इतने अपने पुराने ज़माने के महान कलाकार हैं, उन्होंने इस पिक्चर में मेरे मामा जी का रोल किया है, ये भी मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है। आज उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आ नहीं पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम ऋषभ भारद्वाज। सर, इस फिल्म में मैंने एज अ मेन नेगेटिव लीड किया है, और अच्छा ही है, बढ़िया किरदार है। रिवेंज की कहानी है, छोटे भाई और बड़े भाई के बीच। आपकी बॉलीवुड की एंट्री की बात करें, ये आपका प्रोफाइल क्या है बॉलीवुड में? अब तक हमने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स किए हैं, और एक फिल्म भी हमने इसके पहले की थी जो रिलीज हुई थी, द डेंजरस रेड, और वैसे ये मेरी दूसरी मूवी है, और सबसे पहली मूवी ये है एज अ जो बहुत बड़े स्तर पर रिलीज़ हुई है। और इसके अलावा मैं एक दो और फिल्म्स कर रहा हूँ, जैसे अगर तुम मिल जाओ, मिला मौका, मारो चौका। कैसे लगी आपको मूवी? आपने जब स्क्रीनिंग हुआ है, प्रेस शो पहला शो था जिसका, जी आप साथ में बैठ के आपने ऑडियंस के साथ बैठ के मूवी देखी? जी बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत ही अच्छा फीलिंग है, और इस चीज़ के लिए कितने सारे एक्टर तरसते हैं, कितने सारे एक्टर को ये शुभ अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और बहुत खुशी हो रही थी। कुछ पल के लिए मैं इमोशनल भी हो गया था अपने आप को बड़े पर्दे पर देख कर, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक्स अलॉट। जहाँ बोलोगे आप? आपका नाम? मेरा नाम ताहिर कमाल खान है। क्या कमाल किया आज आपने? कमाल क्या, फुल टू धमाल किया है, क्योंकि फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता, जो कि श्री राजेश मित्तल साहब ने बनाई है। राजेश मित्तल साहब 45 साल पुराने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जिनका स्टूडियो रंजीत स्टूडियो में आज भी उनका स्टूडियो है, कभी अमिताभ बच्चन सर वहाँ पे शगल करते थे। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए अवसर मिला, मौका मिला, और ये पिक्चर हमारे लिए तो मील का पत्थर है, क्योंकि हमने 15 साल संघर्ष करने के बाद ये फिल्म हमको प्राप्त हुई है, और ये हमारा सपना था कि हम पिक्चर को थिएटर में देखें। मेरा एक सपना, जैसे हर किसी एक एक्टर का सपना होता है कि वो अपने आप को सिनेमा में देखे, थिएटर में देखे, पोस्टरों को थिएटर पे लगा हुआ देखे, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं बहुत खुश हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये फिल्म जो है सत्ते पे सत्ता, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसमें पूरी फुल टू कॉमेडी धमाल है, फुल टू इंटरटेन है, फैमिली पिक्चर है, हर कोई इसको देख सकता है, और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो इंशाल्लाह पिक्चर सुपर हिट होगी। और ये पिक्चर में श्री अमिताभ बच्चन साहब, अगर ये मेरी बात सुनेंगे, सर ये पिक्चर हमने कोशिश की है, ये एक कोशिश करके जनता के सामने रखी है, ये पिक्चर सर आपके लिए समर्पित, श्री अमिताभ बच्चन जी के लिए ये पिक्चर समर्पित। सत्ते पे सत्ता हो या दुग्गी पे दुग्गी, कोई फर्क नहीं अलपत्ता, कोई फर्क नहीं पलपत्ता। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अब मैं इस तरफ आ जाऊं, सब एक ही साइड से लेंगे। थोड़ा सा पीछे हो जाए, एक बार मैं जो हुआ, तू इधर ही आ जा, बेटर रहेगा।
अभी आ रहे हैं। आपका नाम? हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ राज और मैं झारखंड बोकारो से रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैनी मैनी थैंक्स मिस्टर राजेश मित्तल, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया भूरिया का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। मैं इसमें वन ऑफ द सिक्स ब्रदर्स, सेवन ब्रदर्स का एक रोल प्ले कर रहा हूँ जिसमें भूरिया कैरेक्टर मेरा नाम है। आप देख रहे होंगे कि मैं ये गंदा सा एक टी शर्ट और ये नाइन शेक गर्दन में कैरी करके एनी टाइम घूम रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं इसमें भूरिया का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो ऐसे ही गंदा रहता है पूरे मूवी में। और ये नाइन शेक इसलिए कैरी करता हूँ क्योंकि ये एक ब्रूसली कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। ब्रूसली आप लोग सब जानते हो और मुझे नाइन शेक एक्चुअली मार्शल आर्ट बचपन से आता है। सो एक टैगलाइन है मेरे मूवी में, वो ये भूरिया नाम मत भूलना। सो एक्चुअली ये कैरेक्टर को थोड़ा सा लाइक मार्केट करने के लिए मैं लाइक ऐसे लेकर घूम रहा हूँ। कितनी खुशी आपको आखिरी सवाल? बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि मूवी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसमें उदित नारायण के गाने हैं और नितिन मुकेश के गाने, आशा भोसले के गाने, गाने आपको बहुत पसंद आएंगे। कॉमेडी है, रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, सस्पेंस है, सब कुछ भरा पड़ा है एक जो बॉलीवुड प्रॉपर मूवी में होना चाहिए। तो जो भी थैंक यू सर। एक मित्तल जी, एक साथ है ना, इधर आइए थोड़ा सा, थोड़ा बीच में हो। और भी कोई है बाकी? मित्तल भाई, अरे जी, हाँ भाई, सेंटर में। अरे मेरे पास हीरोइन किधर गई यार? हीरोइन का पता ही नहीं है सर। आ रहे हैं, अरे मार भाई। हाँ क्या है, क्या है, कोई फर्क नहीं अलपत्ता, कोई फर्क नहीं पलपत्ता, कोई फर्क नहीं अलपत्ता, कोई फर्क नहीं पलपत्ता, सत्य पे सत्ता, सत्य पे सत्ता, सत्य पे सत्ता। मेरे साथ मेरे सत्ता। अरे थोड़ा पैसे के जिला कुमार राजेश गायब भैया, इधर आओ। रोल हाँ रेडी, हो गया, कुमार का हो गया, ओके, इतना आप दोनों को बाकी है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ आप बोलिए सर, बोलिए, बोले बोले प्लीज सर, क्या कहना चाहेंगे आज? नमस्कार, नमस्कार सर। ये प्रोजेक्ट के टाइटल जो है मेरे पास, मैं चार साल से लेके रखा हूँ। ये फिल्म का नाम है फिर आया सत्ते पे सत्ता। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था सर और बहुत मुश्किल से मुझे बनाते बनाते डेढ़ साल लग गया है फिल्म को। ये मेरा 40वां फिल्म है सर। ये इसके पहले मैंने 39 फिल्में बना चुका हूँ मैं, जिसमें बहुत फिल्मों का नाम गिनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें पहली पिक्चर थी मांग तेरी सिंदूर मेरा, दूसरा था भूचाल, तीसरा था नया कानून, चौथा था भरोसा, पाँचवा था डाक बंगला, छठा था टावर हाउस, इसके बाद प्रेत आत्मा, उसके बाद आपका मांग तेरी सिंदूर मेरा, और इसके बाद अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसके पहले मैंने फ्रीडम फाइटर के ऊपर पिक्चर बनाई थी, बिरसा मुंडा, वो भी फ्रीडम फाइटर के ऊपर ही पिक्चर था। और अभी इसके बाद ये सत्य पे सत्ता, तो आपका आशीर्वाद मिल रहा है। सत्य पे आपकी बात को रोकना चाहेंगे, सत्य पे सत्ता ये वही सिनेमा हॉल है जहाँ पे जंजीर सुपरहिट हुई थी। बिल्कुल, इसका प्रीमियर हुआ था। बिल्कुल सही, क्या कहना चाहेंगे सर? अपने बिल्कुल, बस यही 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 बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ सर मैं, और मेरा नसीब अच्छा है कि ये थिएटर मिला है मुझे। जंजीर यहीं से सुपरहिट हुई थी सर, जो सरप्राइज है। और जंजीर में अमिताभ जी थे, सत्य पे सत्ता में भी अमिताभ जी थे, जिनकी रिमेक करके ये पिक्चर अभी हमने बनाई है सत्य पे सत्ता। तो ये पिक्चर भी आप लोग से गुजारिश करूँगा कि आप लोग देखें जरूर ये फिल्म को थिएटर में, कुछ 300 थिएटर में ऑल ओवर इंडिया में पिक्चर रिलीज है, और इसे जरूर देखें और अपना आशीर्वाद दें। उसी जगह पे रिलीज है, उसी पे उसी सब चीज़ हुई है जी, उसे कितनी खुशी आप लोग? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। फर्क इतना है कि उस वक्त ऑडियंस दूसरे थे, आज ऑडियंस दूसरे हैं। आज के ऑडियंस एकदम यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन इसको देख रहा है, भाप रहा है कि आज की फिल्में क्या होनी चाहिए, वही मैं बताने की कोशिश की। आपका नाम? सनाया सिंह। क्या कहना चाहेंगे राजेश जी के बारे में? राजेश जी, बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा रिस्क उठाया है इन्होंने, पर मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि ही इज अ गॉड, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं एक्चुअली। और ज़्यादा इससे ज़्यादा मैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। अभी तो मैंने आधी देखी है बाय द वे, और उसका जो गाना है इस जहाँ से वो जहाँ तक, आई जस्ट लव दैट सॉन्ग।
سر یہ گانا پوری فلم میں جان ڈال دے گا، جی گانا جی کیا جی کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ بہت اچھا سر، نتن مکھرجی نے گایا اور آسا بھوسلے نے گایا ہے ان کو، تو ان لوگوں نے گایا اور اتنا پیارا گانا ہے سر کہ ہر کی زبان پہ چڑھے گا۔ ہم خوش نصیب ہیں جو اتنے بڑے بڑے سنگرز کے گانوں کو گانے پر پکچرائز کیا گیا ہے اور ہم نے اس پہ ابھینے کیا ہے، مطلب جنم سفل ہو گیا ہمارا۔ جی 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 تھینک یو، میری ہیپی کی آشا جی کی آواز مجھے ملی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور میری فرسٹ فلم ہے یہ، اور باقی آگے تو آتی ہی رہے گی، بٹ ابھی شروعات تو ان کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ہوئی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب بس یہی گزارش کروں گا کہ آڈینس تک پہنچائیے اور دیکھیے، ضرور جائیں دیکھنے کے لیے، اور ایک سچا پورے فیملی کے ساتھ دیکھنے کے لائق فلم۔ ہاں فیملی اور مووی ہے تو آپ بالکل ہی اچھے کر نہیں سکتے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، تھینک یو۔